हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है कौरव तिलथी और दोस्तों सामने आपके एक क्वेश्चन है बढ़िया वाला। ये दोस्तों पता क्वेश्चन कहाँ का है? ये दोस्तों अपने CHSL टायर वन में आया था 2022 के ये 15 तारीख को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन हर बार आता है और ये CGL में भी आता है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए मैं आपको बताना, मैंने आपको ज़रूरी समझा। तो इसका तरीका क्या है दोस्तों करने का? तरीका कुछ नहीं है, पहली स्टेप ये है इसकी कि भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब लास्ट में करो, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है, ठीक है? पहला तरीका ये है, इसको छोड़ दो, लास्ट में करो, क्योंकि ये दो दो साइन चेंज होते हैं। एक बार इनटू भी चेंज होगा, डिवाइड भी चेंज होगा, फिर वैल्यू भी चेंज होगी, 13 और 36 ये भी चेंज होगा, इसलिए टाइम लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों मैंने अभी लिया ना, मुझे टाइम लग रहा है सीखने में। चलो तो भैया मैं क्या करूँगा, इसका कोई तरीका नहीं, शॉर्टकट नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो, वरना आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने थोड़ा सा ये दिमाग लगाया कि डिवाइड और इनटू चल रहा है, तो अगर मैं जैसे देखो डिवाइड और इनटू, इनटू की जगह मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ और डिवाइड की जगह इनटू कर दूँ, है ना, तो कभी भी समझ में नहीं आया, तो इसको करना ही पड़ेगा। चलो ओपन करके देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, डिवाइड इनटू 1336। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ। अरे यार कैसे बताऊँ, चलो यहीं करके दिखाते हैं। ध्यान से देखना, कर अपन जैसे बिल्कुल एज ए बिगिनर करते हैं। कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा 13 और 36 है, 36 की जगह देखो 13 की जगह मैं लिख दूंगा 36, इन टू छोड़ो अभी, फिर 12 लिख दिया, फिर 36 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 35 लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या साइन देखो, इनटू और डिवाइड का है, तो इनटू की जगह मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा भाई साहब, ये डिवाइड बना दिया, और ये डिवाइड की जगह मैंने इनटू बना दिया, और जो साइन चल रहे थे प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, बराबर का बराबर, करके देखो इसको। अब 12 देखो डिवाइड है, 12 3 जा 36, तो ओवरऑल 3 से कट जाएगा, 13 3 जा 39 आ जाएगा, है ना। ये कैसा चल रहा भाई, अभी सीखने में टाइम लग रहा है। 39 प्लस 11 माइनस 7 तो 35 आएगा क्या, करके देख लो 35। देखो 39 और 10 49 और एक 50, 50 में 7 गए तो 50 में 7 गए तो 43 आएगा, 35 नहीं आएगा, इसलिए पूरा ख़त्म करो, फटाक से क्रॉस करो, आगे बढ़ो। इनटू और डिवाइड रखना पड़ेगा 11 और 7, रख के देखो, ठीक है। अब ध्यान से रखना बिल्कुल, ये मैं कलर बिल्कुल छोटा किया लेकिन तब भी अभी लिख रहे हैं अपन। चलो 11 और 7 करना है, तो बस 13 वैसे ही लिखा रहने दो, 12 वैसे ही लिखा रहने दो, 11 और 7 करना बस, बार बार रिपीट करा करो, मन में बोला करो 11 7 11 7 11 7। तो 11 की जगह जब देखेगा तो आंख बंद करके आप 7 मार दोगे, और 11 और 7 की जगह 11 मार दोगे, और ये 35 तो अपन को लाना है, तो ये भी ध्यान रखो ताकि फटाफट मिल जाता अपने को, दिख जाता तो खुश हो जाते अपन, इसलिए उसमें 35 लिख लिया। अब देखो क्या इनटू और डिवाइड बोला है, तो भैया इनटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इनटू, सबसे पहले क्या ऊपर इनटू है तो इसको कर दो डिवाइड, और फिर डिवाइड था तो उसकी जगह कर दो इनटू, बाकी क्या प्लस है, फिर माइनस है और बराबर। अब इसको देखो, सबसे पहले बॉड मास रूल के हिसाब से डिवाइड यूज डिवाइड सॉल्व होता है, तो देखो 12 से 13 नहीं कटेगा, तो अपन क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 13/12 इंटू 36 प्लस 7 माइनस 11 बराबर 35, यही लिखेंगे। अब देखो उसको ध्यान सॉल्व करना, देखो इंटू में ये मिल गया अपन को, कट सकता है, तो 12 3 36 ये कट गया, 13 3 39, तो मैं अच्छे से बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ, 39 पहले लिखा मैंने, फिर प्लस 7 माइनस 11 बराबर 35, यही करना ना। अब देखते हो सेटिस्फाई होता कि नहीं। जैसे मैंने देखा 39 और 7 कितना, 9 7 16 होता, बोले तो 9 7 46, 46 में से 11 जाएंगे तो फटाक से 35 दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसको फटाक से टिक लगा दो, ये अपना ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। ये तरीका इसका, पहला स्टेप ये है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करता है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो, मान लो चौथे नंबर पे आपका आंसर होगा, तो आपका बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तब इसको सॉल्व करो। और दूसरा तरीका ये है कि एक एक चीज़ करो इकट्ठा, एक ही बार मत करो, सबसे पहले वैल्यू लिख लो, ये 13 लिख लो, 12 लिख लो, इनकी जगह जो चेंज करना वो लिख लो, और साइन को दूसरे नंबर पर लिखो, मतलब फर्स्ट स्टेप में पूरे वैल्यू लिख लो, सेकंड स्टेप में उसके बढ़िया से साइन लिख लो, और फिर सॉल्व करो। क्या है, एकदम से इकट्ठा लिखोगे ना आप तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत आ जाता है, और गलत आता है टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो ये मत करो। ये मेरा तरीका है और मैंने कहीं सीखा था, तो इससे आंसर जाता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही लेकिन, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ आपको दोस्तों, अगर देख सकते हैं तो। ये देखो बाकी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना CHSL का आया हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एकदम से मैंने जब देखा मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ 841 दिखा तो मेरे दिमाग में 29 का स्क्वायर आया, क्योंकि मैंने स्क्वायर अच्छे से याद करके रखे 35-35 तक, बढ़िया से, है ना, 35-40 तक। अब 18 का देखा मैंने, यहाँ 400 मैंने देखा, यहाँ 20 का स्क्वायर, ये देखा मैंने 324, तो मुझे देखा ये दोस्तों 18 का स्क्वायर है, तो करा क्या है ना, देखो ये 29 है, 29 में 2 कर दिए 27, 18 में मतलब 20 में से 2 माइनस किया तो 18, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 16, ये 16 लगा दिया, खत्म कहानी, बिल्कुल पक्की हो गई ये बात, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, ये आपको पता होगा दोस्तों। मैं क्या सॉल्व करता हूँ बता देता हूँ फटाफट, टाइम कम है अपने पास, तो अरे भाई कलर आ जा,
थोड़ा सीखने में समय लग रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी अभी लिया ना मैंने ये, उनने बताया कि ऑल पैरट, सारे के सारे तोता हैं भाई साहब, वो क्या है, बर्ड है। तो मैं कैसे बनाता हूँ, क्या देखो सबसे ज़्यादा कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, कम कटिंग होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे बनाता हूँ। सारे के सारे पैरट को मैंने बर्ड्स बना लिया। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि सारे के सारे पैरट हैं, उनको ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, उसमें क्या ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये मैंने सीखा था एक सर से, अपने बहुत अच्छे सर हैं, उनसे उनसे सीखा था भाई। अमेज़ोन का प्रोडक्ट आ गया क्या कहीं का, ठीक है ये देखो ख़त्म करते हैं, ये ख़त्म हो गया। हाँ तो मैं ऐसे बनाता हूँ ताकि ओवरलैपिंग कम हो। तो सारे के सारे पैरट को मैंने बर्ड्स में डाल दिया। अब आगे क्या बोला, सम वर्ड्स आर बटरफ्लाई। तो भैया मैंने सम वर्ड्स को मैंने बटरफ्लाई बना दिया। ये सारे के सारे वर्ड्स कुछ तितली हैं, है ना, बटरफ्लाई BUTT लिख दिया, क्योंकि देखो ये बर्ड्स हैं ये बटरफ्लाई, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बटरफ्लाई ये पता लगे, आप ये इसको बटरफ्लाई समझ लो, ऐसा मत करना, बस इतना कर लिया। देखो स्टेटमेंट पढ़ो सीधा, ऑल बटरफ्लाइज आर पैरट्स, सारे के सारे बटरफ्लाई पैरट्स हैं क्या, तो पहला वाला ऑप्शन गलत बिल्कुल, सारी की सारी बटरफ्लाई पैरट तो बिल्कुल नहीं दिख रही। दूसरा, कुछ तोता बटरफ्लाई हैं क्या, कुछ पैरट्स बटरफ्लाई हैं क्या, वो भी नहीं दिख रहा है। देखो कहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग वर्ड्स के साथ इसके साथ नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया भाई साहब। तो नाइदर वन नाइदर टू, ये आज का आंसर आएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके नंबर नहीं जाने चाहिए, कई बार टफ आता है तब नहीं बनता, बाकी छोटे वाले सिंपल सबसे बन जाते हैं। तो बस ये दो तीन क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट था मुझे बस आपको यही वाला बताना था, ये वाला कि इसमें टाइम लगता है, इसको आराम से करो, इत्मीनान से, इसमें 20-25 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे चलेगा, एक मिनट भी ज़्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। क्या एकदम पे एग्जाम में दिक्कत हो जाती तो अलग अलग लिखा करो, ऐसे लिखो बिल्कुल जैसे ये वाला तुमने चेंज कर रहा हो, तो पूरा 13-36 की जगह यहाँ आराम से 13-36 बोलो, बार बार 13 दिखेगा तो यहाँ 36 करो, है ना। और खुद से लिख लो, इक्वेशन बना लो, जो फटाफट मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे मुझे 13-36 बोलूँगा तो मैं 13 की जगह लिख लूँगा बढ़िया 36, साइन अभी नहीं लिखूँगा, फिर मैं 12 की जगह लिख लूँगा 13-36 लग रहा, अब जैसे मुझे 36 दिखा मैं उसकी जगह 13 लिख लूँगा, फिर 11 लिख लूँगा, फिर 7 लिख लूँगा और ये 35 लिख लूँगा, 13-36 हो गया। अब रिपीट खत्म, बंद करो। अब ये वाला देखो, अब रिपीट अब क्या चलेगा, इन टू डिवाइड, तो बार बार मैं बोलूँगा इन टू डिवाइड। तो अब मैं मुझे ये इन टू दिखा तो फटाक से मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, इन टू डिवाइड दिखा तो इसको इन टू कर दूँगा, बाकी कहानी जो चल रही थी प्लस माइनस कर दूंगा, आराम सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो बस यही बताना था, थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गॉड टिल देन साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। और हाँ प्लेलिस्ट चेक कर लेना, काफी कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ सॉरी, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू भाई, जल्दी जल्दी बंद हो जाओ, कहाँ से अपन 10-15 दिन में दोस्तों रॉकेट बन जाएंगे ना, फिर अच्छे से टाइप लिख पाएंगे।